क्या पीछे से करने पे बच्चा हो सकता है? बहुत से क्वेश्चंस बहुत से कपल्स ये पूछते हैं कि मैम मैं पीछे से करूंगा या ओरल करूंगा तो क्या इससे बच्चा हो जाएगा, इसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे क्या एनल करने से बेबी कंसीव हो सकता है, कितना सच कितना झूठ, चलिए डिटेल में बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं सेक्स काउंसलर हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस आप देखते आए हैं। आज बात करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि एनल सेक्स का रास्ता कहीं भी फीमेल के गर्भ तक नहीं जाता, तो अगर आप एनल परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप पीछे से करते हैं तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस 99.9% नहीं होते। इसके अलावा 0.1% चांसेस तब हो सकते हैं जब आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप अजानल भी कर रहे हैं फिर आप एनल कर रहे हैं, तो आप श्योर नहीं हैं कि आपका प्रीकम या डिस्चार्ज एग्जैक्टली कहाँ हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको लगता है कि मैंने तो ऐसे ही किया था, ये तो हो कैसे गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मेल पेनिस है वो प्रीकम रिलीज कर देता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कभी कभार एनल के रास्ते भी 1% में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में होती है, 99.9% एनल से प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन जो चीज़ होती है वो ये है आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अगर आप एनल करते वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, एक तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा टाइट होगा, साथ साथ के लिए आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, STDs हैं, STIs हैं, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जो कि जल्दी इन्फेक्शंस को कैच करता है, वहाँ से किसी भी तरीके का जो बोलते हैं ना फाइटिंग के लिक्विड्स नहीं आते हैं, जैसे फीमेल वजाइना कम्स अप विद अ लिक्विड जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हो, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन STI होने के चांसेस बढ़ते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव इशूज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे एसोसिएटेड होती हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मैं वजाइनल करके अपना जो डिस्चार्ज है वो एनल में करना चाहता हूँ, वो मुझे ठीक लगता है, तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो इट्स क्वाइट सेफ एंड मोस्ट ऑफ द कपल्स डू इट, वो इसलिए करते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के चक्कर से बच पाए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम उस पर वीडियो ला सकें, और सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डर, कोई भी क्लियरेंस आपको नहीं मिली है तो सही जगह पर बात करना जरूरी है। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।